देवरिया में हुए हत्याकांड का मामला अब तूल पकड़ चुका है। दो पक्षों में जमीन को लेकर हुए विवाद और फिर 6 लोगों की हत्या ने पूरे प्रदेश को दहला कर रख दिया है। 2 अक्टूबर को हुई इस वारदात के बाद एक तरफ जहां सियासत तेज है तो वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों की अलग अलग टिप्पणियां देखी जा रही हैं। लेकिन इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए देवरिया पुलिस सख्त हो गई है और मामले पर टिप्पणी करने वालों को सबक सिखाने के मूड में है। दरअसल देवरिया में प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे के बीच हुए विवाद और हत्या के मामले के बाद जब लोगों को इस घटना का पता चला तो सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ अराजक तत्व ऐसे भी दिखे जिन्होंने मामले पर जातीय टिप्पणियां करनी शुरू की। इस तरह की टिप्पणियां जब सामने आई तो देवरिया पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर ट्वीट किया। देवरिया पुलिस अपील करती है कि आप लोग किसी प्रकार की जातीय टिप्पणी न करें जिससे आमजन के मध्य विद्वेष की भावना उत्पन्न हो। ऐसा संज्ञान में आने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यानी कि ये साफ है कि देवरिया पुलिस मामले पर कोई भी ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगी जो माहौल को खराब करने का काम करे। सोशल मीडिया पर इस तरह की गतिविधियों और टिप्पणियों पर बारीकी से निगरानी की जा रही है। बता दें कि विशाल यादव नाम के एक शख्स को पुलिस ने इसी तरह की एक टिप्पणी करने के कारण गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।